इवरी युग में इनको जिलवाइए, क्या कहेंगे आप? नहीं बताएं सर, आप यंग हैं, आप तो इस दुख दर्द को समझते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत हो रही है, घर परिवार के लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, आम आवाम और खास त्रस्त हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात करेंगे, आप लोग का बात को ऊपर में रखेंगे। सर ये बहुत दिनों से चल रहा है, कब तक इसका निदान हो पाएगा सर, क्या उम्मीद लगता है? मीडिया के कैमरे से नजर चुराते, बिजली कटौती से परेशान, त्रस्त रामगढ़ की जनता की तकलीफ और दर्द से जुड़ी सवाल का जवाब देने से कतराते, यह है हमारे रामगढ़ डीबीसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री राहुल रंजन जी। आप देखें कैसे कैमरे से नजर चुराकर ये अधिकारी महोदय किनारा करते नजर आ रहे हैं। यह वह मौका था जब रामगढ़ डीबीसी कार्यालय में आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां विद्युत की अनियमित कटौती से परेशान रामगढ़ की जनता की समस्याओं को ले पूर्व से आंदोलनरत चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि मंडल रामगढ़ के नई सराय स्थित डीवीसी पहुंचा और डीवीसी के एग्जीक्यूटिव को गुलाब फूल देकर 24 घंटे बिजली काटने का अपील किया। उन्होंने कई तर्क देकर रामगढ़ की जनता की परेशानियों से उन्हें अवगत कराया और कहा अगर आप नियमित रूप से बिजली बहाल नहीं कर सकते तो ये कुछ घंटे की बिजली देकर हम पर एहसान ना करें, आप 24 घंटे बिजली काट ले और हम फिर से उसी ढिबरी युग में जी लेंगे, लेकिन यह तिल तिल कर मरने वाली जिंदगी हमें जीने को विवश ना करें। वहीं कुछ लोगों ने बिजली को एक फिक्स टाइम पर शेड्यूल करने की मांग करते हुए बिजली की आपूर्ति में सुधार नहीं होने की सूरत में आगे उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दे डाली है। आप सुने चेंबर के प्रतिनिधियों को। रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स लगातार 3 महीने से बिजली को लेकर के आंदोलन कर रहा है। जिस तरह से बिजली कटौती रामगढ़ जिले के अंदर में हो रही है, बेतहाशा कटौती है। एमएसएमई से जुड़े हुए सारे उद्योग ध्वस्त होने की स्थिति में है और सरकार बिल्कुल रामगढ़ की जनभावनाओं का कदर नहीं कर रही है। पूरे 7 कमांड एरिया जो डीवीसी के हैं उनकी जनभावनाओं का कदर नहीं कर रही है और जन सरोकार से लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को लेना देना नहीं है। रामगढ़ के लोग चाहे वो छात्र छात्राएँ हों, महिलाएँ हों, उद्योग हो, व्यापार हो, कारोबार हो, दुकानदार हो, सब ध्वस्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है। रामगढ़ में 17-18 घंटे की बिजली काटी जा रही है जिससे हम लोग त्रस्त हैं और हम लोगों ने विभिन्न तरह के आंदोलनों का सहारा भी लिया है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार सुनने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए थे और डीवीसी से हम लोगों ने कहा है कि आप 18 घंटा जो लाइन काट रहे हैं और 6 घंटा जो लाइन दे रहे हैं तो इस 6 घंटा की भी मेहरबानी आप ना करें, आप पूरा 24 घंटा लाइन जो है सो रामगढ़ का काटें ताकि कम से कम ये अंधी बहरी सरकार जो झारखंड की बैठी हुई है इन तक हमारी बात पहुँच सके, पूरा रामगढ़ पूरा 7 जिला ब्लैकआउट हो जाए और तब जा करके मुख्यमंत्री शायद हो सकता है कि सुने कि हमारा 7 जिला अंधेरे में है। आप तो तक नहीं है, हमारा समस्या ये है कि हम व्यापारिक संगठन हैं, हम किसी राजनीतिक संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं और हमारी एक सीमा है। हम लोगों ने जहाँ तक उग्रता थी वहाँ तक हमने दिखाया, बट हम लोग लाठी और डंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम लोग तोड़फोड़ नहीं कर सकते क्योंकि व्यापारी तोड़फोड़ नहीं करता है। अभी जो आप कह रहे हैं नतमस्तक, नतमस्तक नहीं कहेंगे हम, ये कहना चाहेंगे कि हम इन लोगों को शर्मिंदगी महसूस करवाना चाहते हैं। आपने देखा कि हम लोग गुलाब दे रहे थे और वो गुलाब लेने से कतरा रहे थे, आज क्या दिन आ गया है। अदरवाइज़ आप किसी को गुलाब दे तो लोग गुलाब बड़े हंसी खुशी लेते हैं, वैलेंटाइन डे में ही गुलाब बढ़ता है, परंतु आज वो भाई साहब गुलाब लेने से कतरा रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या मन स्थिति रही होगी। अच्छा, हमारा झगड़ा डीवीसी के साथ नहीं है, हमारा जो डिमांड है हम लोग राज्य सरकार से और जेवीवीएनएल से बात कर रहे हैं। डीवीसी से हमारा सिर्फ एक आग्रह था जिसको इन लोगों ने सिरे से नकार दिया, ये हमको 6 घंटा ही बिजली दे रहे हैं, ठीक है तो 6 घंटे का ये शेड्यूल बना देना कि साहब हम आपको 2 घंटा अभी देंगे, 2 घंटा इस टाइम पर देंगे, 2 घंटा इस टाइम पर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे और आम नागरिक अपने काम को उसके हिसाब से वो भी शेड्यूल कर सकेंगे, परंतु इनका सिर्फ और सिर्फ ये जनता को परेशान करना चाहते हैं, सरकार को परेशान नहीं कर पा रही, जनता को परेशान कर रहे हैं। फिर से एक तरह से कहा जाए कि अपने आंदोलन को प्रारंभ करते हुए आज हम लोग डीवीसी और जेएसईबी दोनों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें गुलाब फूल देकर उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग रामगढ़ जिला की बिजली 24 घंटे के लिए काट दें,
18 घंटा बिजली काट कर और 6 घंटा देकर आपको यह एहसान हम पे नहीं कर रहे हैं। रही बात हम लोगों यह विचार ऐसा विचार कर रहे हैं कि 27 तारीख को डीवीसी कमांड एरिया के 7 जिलों के चैम्बर के साथ रामगढ़ चैम्बर सभागार में एक बैठक करेंगे। इस बैठक में हम लोग सारे कमांड एरिया के सारे माननीय विधायकों से आग्रह करें कि आप भी बैठक में सम्मिलित हों और हम लोग क्या रूपरेखा तैयार करें ताकि जो बिजली इस समय 18 घंटा कट रही है वह कटना बंद हो जाए और हमारी समस्याओं से हमको निजात मिल पाए। भाई मैं तो चैम्बर के साथ हूँ, चैम्बर अभी सकारात्मक दिशा में जा रही है कि पुष्प दे रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं कि हमारी मांग को रखा। हमारा डिमांड है कि आप समय को शेड्यूल कर दें, तो हमारा व्यापारीगण हो, बिजनेस में हो या एजुकेशन हो, घर की कामें हैं उसको हम प्लानिंग कर सकें। अभी टोटल काम अनप्लान हो रहा। आप मीडिया के अभी देखो ना, आप मीडिया बाइट ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप अगर बिजली नहीं रहेगी तो आप अपना प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करोगे, आप कैसे दिखाओगे और हम कैसे देखेंगे? इसमें आपका भी सहयोग बहुत जरूरत है। बिल्कुल। रामगढ़ में पहली बार एसी मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, गणक मैरिज हॉल, सबकौड़ी कॉम्प्लेक्स, बार्गेन बाजार के पीछे, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9835128509 8789654310। न्यूजीलैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।